ready to freak it out? Now. Excuse me. Father, shoot! Thank you.
नीचे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। मैं जवान था, कीर्ति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। शेर ने बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। शेर मौत के मुंह से लौट आया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मेरे जैसा कीर्ति खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शैंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे।
से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था,
What happened? He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a finger. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You want to try it? You're speaking a weird language. So what happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Oh. You did ask for the short version. Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, that's good. Yeah, no worries. Yeah, next time. But if you do come across that Fanker, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, all right? All right. Toodles! Toodles!